यार आज से यूसीएल शुरू हो गया भाई। यूसीएल के ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस हैं आज से शुरू हो गया भाई। तो इसी के साथ इस चैनल पे भाई अगेन एक अलग वीडियो लेके आया हूँ, एक अलग ही कंटेंट जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलने वाला। तो मेक श्योर आप इस चैनल को जस्ट फुटबॉल टॉक्स को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आगे जाके आप मिस ना कर दो कंटेंट। तो भाई टाइटल से दिख गया होगा, बात में करने वाला हूँ बेस्ट अटैक किस टीम का है पूरे यूरोप में इस यूसीएल ग्रुप स्टेज में, इस यूसीएल में। और भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग। आगे जाके भाई मैं दो टीम्स में फंस जाता हूँ, क्लैश हो जाती है भाई। बेस्ट अटैक में दो टीम्स का क्लैश हो जाएगा और आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई किसका अटैक ज़्यादा बढ़िया है, किसका अटैक ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि भाई देखो वहाँ मैं पूरा क्लैश हो जाऊंगा भाई। मैं और मेरे को बायस नहीं होना भाई, मेरे को बायस नहीं होना, वरना भाई मैं अपने मन पसंदीदा मैं तो फिर रियल मैड्रिड रख दूंगा। सो भाई देखो स्टार्ट करते हैं, बेस्ट अटैक किसका है भाई। एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि भाई आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी भाई। यूसीएल ग्रुप स्टेज बेस्ट अटैक किसका है कमेंट सेक्शन में। सो भाई स्टार्ट करते हैं पहली टीम। पहली टीम कौन सी? पहली टीम मैं लेने वाला हूँ पीएसजी से। स्टार्ट करते हैं पीएसजी से, स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई ये लोग के पास बेस्ट अटैक, अटैक नहीं बोलूंगा, देखो देखो यहां मैं क्लियर करता हूँ, बेस्ट अटैक मतलब क्वालिटी डेप्थ उनके पास है, उस टीम के पास कैसी क्वालिटी डेप्थ है, कितने प्लेयर्स हैं, अटैक कुछ मतलब सब कुछ मिला मिलू के कैसी परफॉर्मेंस चल रही है अपने अपने रिस्पेक्टिव लीग्स में। तो भाई पीएसजी से स्टार्ट कर रहे हैं। पीएसजी के पास है मेस्सी, नेमार, एम्बाप्पे। कर लो बात भाई, कर लो भाई, बेस्ट अटैक हो गया। बेस्ट अटैक भाई वीडियो खत्म करो, चलते हैं सोने चलते हैं भाई। नहीं, बेस्ट अटैक की बात हो रही है, बेस्ट फ्रंट थ्री की बात नहीं हो रही, वरना वीडियो यहीं खत्म करनी पड़ जाती। क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे हैं, इन्होंने आग लगा दिया भाई। आग कैसे लगा दिया भाई? इनके पास मेसी है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर इस समय, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो भाई मेसी ने इस सीजन में 3 गोल और 6 असिस्ट ऑलरेडी दे दिए हैं। इनके पास नेमार है, इनके पास एम्बाप्पे है। एम्बाप्पे भाई 7 गोल मार के बैठा हुआ है भाई। नेमार एक अलग ही फॉर्म में चल रहा है। मैं सिर्फ इनके स्टार्ट बता रहा हूँ, वरना मैं स्टार्ट नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई ये तीन ही बंदों ने खत्म कर देंगे अगर बेस्ट फ्रंट थ्री होता तो। पर ये बेस्ट अटैक की वीडियो है भाई। तो नेमार ने भाई 7 गोल तो दिए ही दिए और साथ में 6 असिस्ट भी दिए। तो भाई नेमार एक अलग ही अपनी लीग में खेलने लग गया वो इस सीजन से। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम है। इस पीएसजी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, हाँ जी हाँ, मैं इस पीएसजी को कंपेयर करने वाला हूँ भाई बारसा से, बारसा के अटैक से, फ्रंट थ्री से नहीं। तो बारसा के पास फ्रंट थ्री में कौन है जो यूसीएल के ग्रुप स्टेजेस में मेरे को लग रहा है जावी खिलाएगा फ्रंट थ्री में? तो भाई लेवा, लेवा भाई एक प्रॉपर नंबर 9 है इनके पास। विंगर्स की बात करूं तो भाई डेम्बेले, डेम्बेले भाई और रफीना, इन लोगों ने कुछ प्रूव नहीं किया है, पर ये लोग आग लगाने वाले हैं भाई, ये लोग आग लगाने वाले। ये एक अलग ही टैलेंट है, एक अलग, खासकर डेम्बेले एक बहुत अलग टैलेंट है भाई। तो भाई ये तीन इनकी फ्रंट थ्री होगी और ये पीएसजी की फ्रंट थ्री होगी। पीएसजी की फ्रंट थ्री ऊपर है, बट यहाँ पे इनके पास डेप्थ है, इनके पास डेप्थ है जो इनके पीएसजी के पास नहीं है। बारसा के पास डेप्थ है, कैसे है? पीएसजी के पास सिर्फ एक सराबिया है, जो कि नोन, जो कि हाँ चलो काम आ सकता है अगर कोई इंजर्ड हो जाए या फिर किसी को रोटेट करना हो, कुछ भी हो सकता है अगर बीच मैच में कुछ इंजरी हो जाए। बट भाई बारसा के पास भर भर के प्लेयर्स है भाई। डेम्बले, रफीनिया ये तो है ही है इनके पास, ऊपर लेवा है। लेवा के पीछे कौन है? डिपाय है। रफीना के पीछे कौन है? फरान है। डेम्बले के पीछे कौन है? फाटी है। ऑप्शंस हैं भाई अच्छे खासे, ऑप्शंस हैं अच्छे खासे। इन्होंने फ्रंट थ्री तो है पर एक बेंच पे भी फ्रंट थ्री बिठा रखी है, फाटी, फरान और इनकी डिपाई की। तो भाई डेप्थ में क्लियरली बारसा ऊपर है, तो भाई बारसा ले गई मैच, मतलब पॉइंट ले गई। तो भाई पीएसजी को भी मैं इस अटैक से बाहर करने वाला हूँ, पहले ही बता दूं। बड़े बड़े क्लब्स हैं, मैं बाकी टीम्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ टीम जैसे एसी मिलान हो गई, जैसे इंटर मिलान हो गई, यूवेंटस हो गई, एटलेटिको मैड्रिड हो गई, मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया भाई। पहली बात देखो, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और यहीं तक ठीक है, यहीं तक करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती और इतना कुछ खास अटैक नहीं है जो मैं बड़ी टीम्स की बात कर रहा हूँ इस समय यूसीएल में। तो भाई बारसा को टक्कर कौन देगा भाई? बारसा को टक्कर दिलवा देते हैं भाई, सिटी से दिलवाते हैं भाई। सिटी एक अलग ही खेल रही है भाई, हालैंड पागल हो रखा है, तो सिटी से करवाते हैं। सिटी की फ्रंट थ्री क्या है वो कोई नहीं बता सकता भाई, वो कोई नहीं बता सकता, वो पेप भी नहीं बता सकता वो क्या खिलाने वाले हैं नेक्स्ट अपने मैच में। तो भाई इनके पास एक फिक्स होता है, हालैंड इनका नंबर 9 है, प्रॉपर बंदा है। 10 गोल ऑलरेडी दे चुका है और 1 असिस्ट दे चुका है भाई, बहुत ही फाड़ नंबर्स हैं। विंग्स पर कौन है? विंग्स पर है भाई महरेस, जिसने अभी तक कुछ भी ऑफर नहीं किया, 0 गोल्स हैं, 0 असिस्ट हैं,
बर्नार्डो सिल्वा खिला सकते हैं, 2 गोल्स 2 असिस्ट उसने बंदे निकाले हैं, फोडन है, अल्वारेज है, तो डेप्थ भी है, सब कुछ है, बट स्टिल मेरे ख्याल से मैं बार्सा को यहाँ एज देने वाला हूँ। अगेन भाई मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ, मैं ऐसे ही नहीं, हाँ तो प्रॉपर अपने तो राइवल्स हैं भाई, तो बट यार बार्सा को एज देना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बार्सा का एक प्रॉपर एक कंप्लीट दिख रहा है, कंप्लीट अटैक दिख रहा है, डेप्थ है, क्वालिटी डेप्थ है, प्रॉपर नंबर 9 है, इनके पास भी डेप्थ है, क्वालिटी डेप्थ है, प्रॉपर नंबर 9। जब बात इधर विंगर्स की आती है, मैं नहीं बोल रहा भाई मारे से ऊपर ये लोग हैं अभी रफीनिया डेम्बले, बट भाई रफीनिया और डेम्बले भाई बिलीव मी बहुत गलत प्लेयर्स हैं। और जब टैलेंट की बात आती है, जस्ट प्योर टैलेंट की बात आती है भाई, डेम्बले से ऊपर विंग्स पर भाई बड़े बड़े मैनेजर्स बोल चुके हैं, तुखेल बोल चुका है, बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स बोल चुके हैं भाई वो टैलेंट नहीं देखा किसी ने जो विंग्स पर वो प्रोवाइड कर सकता है, डेम्बले दोनों फुट चलते हैं। तो भाई यहाँ पर भी मैं बार्सा की को एज देने वाला हूँ। बार्सा अगेन भाई सिटी को भी बेस्ट अटैक में पूरे यूरोप में सिटी और पीएसजी को हरा दिया। आई होप मैं यार बायस नहीं हो रहा यहाँ पे बिल्कुल भी, पहली बात मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ, बायस क्यों ही होने वाला हूँ यहाँ पे मैं। तो भाई सिटी को भी पीछे कर दिया, नेक्स्ट टीम आती है भाई मेरी खुद आती है रियल मैड्रिड, बेस्ट प्लेयर भाई बेस्ट टीम भाई, बार्सा भाड़ में जाए नहीं नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं है। तो भाई देखो देखो यहाँ पे कौन है, विनीशियस है, यहाँ पे कौन है, बेंजीमा है भाई, बेलन दियोर। तो भाई विनीशियस और बेंजीमा ही हैं, बात यहीं खत्म हो जाती है, विनीशियस और बेंजीमा ही है, क्योंकि रोड्रिगो जो है भाई अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है हमको इस सीजन में, बट भाई प्लेइंग नहीं मिल रही उसको, बंदे को इतनी प्लेइंग नहीं मिल रही, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं एंसेलोटी वालवर्दे को ट्रस्ट करता है, क्वेश्चन मार्क, वालवर्दे को खिलाना प्रेफर करता है अगेंस्ट बिग टीम, जो हमने प्रीवियस सीजन में भी देखा, सिटी पीएसजी सबको हमने हराया, लिवरपूल सब में वालवर्दे ने स्टार्ट किया। तो फ्रंट 3 में अगर हमारे पास वालवर्दे ये सब होने वाले हैं, वालवर्दे मतलब नेचुरल राइट विंगर नहीं है, तो भाई ऑटोमेटिकली हम पीछे आ रहे हैं, हमारी वो कंप्लीट नहीं है अगर वालवर्दे स्टार्ट, बट रोड्रिगो स्टार्ट करता है तो भाई बहुत बहुत क्लोज मैं मानता हूँ, बट स्टिल भाई एज यहाँ बार्सा को देना पड़ेगा मेरे भाई। वहाँ लेवा है, यहाँ बेंजीमा है, यहाँ विनीशियस है, यहाँ डेम्बले और रफीनिया, पर विनीशियस भाई ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, यहाँ मैं अपना पॉइंट रखने वाला हूँ। बंदे ने पिछले सीजन में 44 का गोल प्लस असिस्ट का सीजन दिया है भाई, ये छोटी बात नहीं है भाई सीजन में, जो कि अभी डेम्बले और को करना है, बट रोड्रिगो को भी करना है इस समय कहीं ना कहीं, बट स्टिल मैं यहाँ बार्सा को एस देने वाला हूँ, क्योंकि इनके पास एक क्वालिटी डेप्थ है अटैक में जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास हजार्ड है, ट्रस्ट इशूज हैं, एसेंसियो है, अगेन ट्रस्ट इशूज है भाई, तो मेरे ख्याल से इनके पास ज़्यादा क्वालिटी डेप्थ है और हैं प्लेयर्स हैं अच्छे खासे प्लेयर्स, तो अगेन भाई बार्सा यहाँ पे ले गई भाई पॉइंट, अटैक भाई सबको हरा रहे हैं ये लोग। तो भाई नेक्स्ट टीम कौन सी, नेक्स्ट टीम भाई चेल्सी की बात करें, चेल्सी को मैं जल्दी से कवर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्लेयर मेरे को दिख रहा है, स्टर्लिंग, ओबामेयांग आ गया, ओबा ले लिया है इन्होंने, स्टर्लिंग है, हैवर्ट्स है, ये मेरे को पेयरिंग लग रही है, बट डेप्थ है, पुलिसिच है, ज़ियाच है, बट स्टिल यार बार्सा के ऊपर मैं नहीं रखने वाला इनकी अटैक को, बार्सा के ऊपर नहीं रख सकते भाई, नहीं रख सकते, ठीक है। तो भाई यहाँ पे चेल्सी का केस क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टीम आती है, सिर्फ दो टीम रह गई है भाई, दो टीम रह गई, एक बायर्न म्यूनिख जहाँ पे आपने बताना है जिसका क्लैश हो गया है विद बार्सा, और एक टीम है लिवरपूल भाई, लिवरपूल के पास ऑप्शंस अच्छे खासे हैं, सलाह है, माने है, सॉरी सलाह है, दियाज है, जोटा है, फर्मिनो है, नूनेज है, कंसिडर करनी पड़ेगी लीग में कौन कैसा खेल रहा है, अटैक अच्छा है, इनका भी अच्छा है भाई, एज देना पड़ेगा भाई यहाँ पे बार्सा को भाई, उनके उनके लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई, गोल भाई लेवा ने अकेले 5 गोल निकाल दिए सिर्फ 4 मैचेस में, यहाँ पे आपके प्रीमियर लीग में लिवरपूल के गोल्स इतने अच्छे खासे कुछ ज्यादा नहीं आ रहे भाई, ऑलरेडी बच रहे हैं, एक अभी जो फैबियो कारवालो ने जस्ट इनको लास्ट मिनट पे बचाया था भाई, वो मैच भी ड्रॉ होने वाला था, ऐसी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है अगर मैं अटैक की बात करूं तो भाई, यहां पर भी बार्सा ले गई भाई। अब भिड़ा देते हैं फाइनली भाई बार्सा वर्सेस बायर्न म्यूनिख, बायर्न म्यूनिख को यार हर कोई जानता होगा, नहीं जानता होगा भाई मैं बता देता हूँ, फ्री फ्लोइंग अटैक है, जर्मनी टीम है, जर्मनी टीम सबको पता है अटैकिंग माइंडसेट के होते हैं, अटैक करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई यहाँ पे कैसे कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर ऐसे करते हैं, डेप्थ पहले डेप्थ देख लेते हैं, फ्रंट 3 क्या होती है इनके पास, बायर्न के पास माने है, इनके पास साने है, इनके पास ग्नाबरी है, इनके पास कोमन है, इनके पास मुसियाला भाई इस बंदे को याद रखो, इस बंदे का नाम अच्छे से याद रखो, बताता हूँ क्यों,
मुसियाला है, इनके पास मुलर है, फॉरवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, डेप्थ भर भर के भाई, और कोई नाम वाम तो नहीं छूट गया ना भाई, चुपो मोटिंग भी है भाई, डेप्थ है भाई, चुपो मोटिंग भी है इनके पास। तो भाई अब देखो डेप्थ दोनों टीम्स के पास है, यहाँ पे भी अच्छी खासी डेप्थ है, यहाँ पे भी अच्छी खासी डेप्थ है, बट जब बात एक डेप्थ में अगर मैं कंपेयर करूँ तो भाई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेप्थ है भाई। यहाँ पे फाटी फेरान है ना, डिपाय है, ठीक है डिपाय अच्छा मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं अभी चुपो मोटिंग से, क्योंकि चुपो मोटिंग को इतना खिलाते नहीं है, बट यहाँ पे भाई कुछ ज्यादा ही गलत है। यहाँ अगर कोमेन खेल रहा है तो साने बैठा हो, या गनाबरी खेल रहा है तो मुसियाला बैठा हो, यहाँ पे मुलर खेल रहा है, आप किस मतलब आप डेप्थ कंपेयर मेरे ख्याल से आप नहीं कर सकते फाटी और फेरान को इस डेप्थ के साथ भाई। तो भाई अब ठीक है, पर इतना भी कुछ वो नहीं है पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे आते हैं कि भाई वो बुंडेसलीगा में है वो गोल्स ज़्यादा निकालेंगे, यहाँ पे लालीगा है यहाँ पे गोल्स इतने नहीं निकलते, बट स्टिल लेवा ने 5 गोल दिए, यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर 9 है, वहाँ पे प्रॉपर नंबर 9 नहीं है, वहाँ माने हैं खेल सकते हैं उस पोजिशन पर, प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। लेवा की हेडिंग, लेवा की मूवमेंट इनसाइड द बॉक्स, वो भाई एक प्रॉपर नंबर 9 ही कर सकता है, वो प्रॉपर फिनिशिंग लेवा की भाई। तो भाई क्या कैसे फिर कैसे करें भाई, मैं ये तभी मैंने आप पे ये सब छोड़ दिया भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे हमें ऑल बहुत जल्दी इसका आंसर मिलने वाला है, बायन वर्सेस बारसा का मैच होने वाला है भाई, दिख जाएगा भाई किसका अटैक कितने वो क्या कहते हैं पानी में है, दिख जाएगा साने गनाबरी मुसियाला मुलर या फिर आपके डेम्बले रफीनिया लेवा कौन क्या करता है एक दूसरे के अगेंस्ट में भाई। तो भाई आप लोगों ने बताना है बेस्ट अटैक किसका है, मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया, वैसे हमें मैच में दिख ही जाएगा भाई कौन क्या कैसे खेल रहा है भाई अटैक में। सो यार ये एक सीरीज बोलो या फिर जो भी बोलो, तीन वीडियोस में निकालने वाला हूँ बेस्ट अटैक की, मैंने आज बना दी है, जो आप लोग डिसाइड करोगे भाई किसका बेस्ट अटैक है। कल शायद मैं बेस्ट डिफेंस की बनाऊंगा पूरे UCL में किसका है, और बेस्ट मिड किसका है परसों तक, जैसा भी होगा रहेगा देख लेंगे। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो में मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।